वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे टैक्सोनॉमी की। ठीक है, टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी का जो है इंट्रोडक्शन, और साथ ही हम बात करेंगे आज अल्फा टैक्सोनॉमी की। ठीक है, तो ये हमारे दो टॉपिक रहेंगे यहाँ पर। टैक्सोनॉमी क्या होती है, कैसे करते हैं, किसने खोज की, ठीक है, और दूसरा अल्फा टैक्सोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे कि अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होती है। यहाँ से हमारा दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टैक्सोनॉमी को। तो देखिए टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं कि टैक्सोनॉमी है क्या चीज। ठीक है, जैसे कि ग्रीक में जो है एक शब्द होता है टैक्सिस, ग्रीक भाषा में एक शब्द है टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, और दो शब्द है यहाँ पर, एक तो है टैक्सो और दूसरा है नोमी। तो यहाँ नोमी से मतलब है नोमास, और नोमास का मतलब होता है लो। लो यानी कि नियम, यानी कि किसी भी चीज के अरेंजमेंट के नियम, किसी भी चीज को आप किस नियम के आधार पर अरेंज करेंगे या व्यवस्थित करेंगे, इसे ही बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, आप किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एनिमल की जगह आप समझ लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को आप किस प्रकार से अरेंज करेंगे किसी एक स्पेसिफिक नियम के आधार पर, ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे हम टैक्सोनॉमी कहेंगे। ठीक है, इसी को हम दूसरी भाषा में बोल देते हैं क्लासिफिकेशन। और एक और जनरल शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, तो ऐसे तीन शब्द हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके अंदर काफी सारा अंतर है और उसी अंतर को हमें यहाँ पर समझना है कि टैक्सोनॉमी हम किस कंसर्न में इस्तेमाल करते हैं, क्लासिफिकेशन शब्द हम किस कंसर्न में इस्तेमाल करते हैं, और सिस्टेमेटिक शब्द जो है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीन टर्म्स को समझना है कि किस प्रकार से फंक्शनल होती है, कहाँ कहाँ पर ये काम आती है। ठीक है, अब देखिए जो टैक्सोनॉमी शब्द है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये टैक्सोनॉमी जो टर्म है ये सबसे पहले दिया था एपी डे केंडोले ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, टेक्सोनोमी टर्म यानी कि टेक्सोनोमी जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया, तो ये किसने दिया है, एपी डे केंडोले। ठीक है, याद रखना ये नाम एपी डे केंडोले, केंडोले भी याद रख सकते हो या पूरा नाम याद रहे तो, ये भी पूरा नाम नहीं है, इसका पूरा नाम काफी बड़ा है, एपी डे केंडोले, ये इतना याद रख लेंगे बहुत है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक थी, थ्योरी एलिमेंटरी डी ला बोटनी की। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है थ्योरी एलिमेंटरी डी ला बोटे की, इसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांत। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, वनस्पति शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांत। इस पुस्तक में ही इन्होंने इस टेक्सोनॉमी शब्द का वर्णन किया था। ये जो टेक्सोनॉमी शब्द है, इस टेक्सोनॉमी शब्द का वर्णन एपी डे केंडोले ने वनस्पति शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांत यानी कि एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी की, वनस्पति शास्त्र के जो है प्रारंभिक सिद्धांत, प्रारंभिक सिद्धांत का मतलब है एलिमेंट्री थ्योरी, ठीक है, किसके, बॉटनी के, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने टेक्सोनॉमी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया। याद रहेगी ये बात, बिल्कुल सिंपल है। इसी के अलावा दूसरा शब्द है हमारे पास में सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, सिस्टेमेटिक्स, ठीक है, सिस्टेमेटिक्स का मतलब होता है सिस्टम के आधार पर जमाना किसी भी चीज को। ये शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया था टेक्सोनॉमी के कंसर्न में केरोलस लीनियस ने। ठीक है ना, केरोलस लीनियस ने, इसीलिए केरोलस लीनियस को कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, क्योंकि सबसे पहले वर्गीकरण, जो स्पेसिफिक वर्गीकरण होता है प्लांट का, जो वर्गीकरण किया जाता है वो सबसे पहले सही तरीके से करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, केरोलस लीनियस था। ठीक है, और इनके नाम के आधार पर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके पीछे आपको केरोलस लीनियस का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, जो केवल इन्होंने ही खोजे। ठीक है, इन्होंने काफी पौधों का वर्गीकरण किया है केरोलस लीनियस ने, तो इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। ठीक है, समझ में आई बात, इन्होंने पादपों का ही वर्गीकरण नहीं किया, इन्होंने जंतुओं का भी वर्गीकरण किया है, लेकिन इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। ठीक है, याद रखना है ये बात कि फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, सबसे पहले टेक्सोनॉमी टर्म दिया एपी डे केंडोले ने, ठीक है, केंडोले ने, और सिस्टेमेटिक शब्द दिया है केरोलस लीनियस ने, और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। ठीक है, यह बात याद रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, एच संता पाओ, एच संता पाओ जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, यानी कि इंडिया के अंदर जो टेक्सोनॉमी
पे काम जिसने किया है, सबसे पहले जिन्होंने वर्गीकरण यहाँ पर किया है भारतीय पादपों का, यहाँ की औषधियों का, यहाँ की वनस्पतियों का वर्गीकरण जिस व्यक्ति ने किया उनका नाम है एच संता पाव, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी। ये भी हमारे पास में एक नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन है इस इतनी सी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है तीन चीजें हैं जो याद रखनी है हमें। पहली तो जो ग्रीक भाषा है, टेक्सोनोमी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। दो तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है, ग्रीक और लैटिन। तो यहाँ पर ग्रीक में टेक्सिस का अर्थ होता है अरेंजमेंट, और नोमास का अर्थ होता है लो, ठीक है। किसी भी नियम के आधार पर किसी भी चीज को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना, वो कहलाता है टेक्सोनोमी, ठीक है। और टेक्सोनोमी शब्द सबसे पहले किसने दिया, एपिडे कैंडोले ने दिया, ठीक है। सिस्टमेटिक शब्द किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है, एच सांता पाव को फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी कहा जाता है। ये चार जो है क्वेश्चन हमें याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर हम, और बात करते हैं डेफिनेशन की, कि टेक्सोनोमी की डेफिनेशन क्या हो सकती है। चलो भाई टेक्सोनोमी शब्द दे दिया, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है, मेन जो चीज है डेफिनेशन टेक्सोनोमी की, वो क्या है, ठीक है। तो टेक्सोनोमी की डेफिनेशन, दो साइंटिस्ट है जिन्होंने टेक्सोनोमी की डेफिनेशन दी है, एक है जेफरी और दूसरा है GHM लॉरेंस, ठीक है। तीन दो साइंटिस्ट हो गए हमारे पास में, एक हो गया जेफरी और दूसरा हो गया GHM लॉरेंस। इन्होंने जो है परिभाषाएं दी है, इन्होंने 1968 में दी थी, इन्होंने 1951 में दी थी, इतना सा अंतर है। यानी पहले किसने दी, पहले दी GHM लॉरेंस ने और बाद में दी जेफरी ने। लेकिन अब इनमें अंतर क्या है, पहले अंतर कर दिया गया, बाद में इसको एक कर दिया गया, ठीक है। तो हमें सन से कोई लेना देना नहीं, हमें तो याद रखना है जेफरी और GHM लॉरेंस, जेफरी और लॉरेंस दो व्यक्तियों ने जो है टैक्सोनॉमी की परिभाषाएं दी है, ठीक है। चलिए अब जेफरी के अनुसार हम परिभाषा को देखते हैं। जेफरी ने कहा है कि जो प्लांट टैक्सोनॉमी होती है, जिसे हम सिस्टेमेटिक बोटनी भी कहते हैं, इज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ प्लांट। इसमें पादप का पहचान की जाती है, उसका वर्गीकरण किया जाता है और उसको नाम दिया जाता है, नामकरण किया जाता है। मतलब जेफरी के अनुसार प्लांट टैक्सोनॉमी, जिसे सिस्टेमेटिक बोटनी भी कहा जाता है, इसके अंदर पादप की पहचान करना, उसका क्लासिफिकेशन करना और उसका नामकरण करना, ये किया जाता है। इसे ही हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अब आपको समझ में आया टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं। टैक्सोनॉमी एक बड़ी टर्म है, टैक्सोनॉमी क्या है, एक बड़ी टर्म है। और जेफरी के अनुसार टैक्सोनॉमी इक्वल टू सिस्टेमेटिक्स। जेफरी क्या बोल रहा है, टैक्सोनॉमी सिस्टेमेटिक ही होती है। मतलब टैक्सोनॉमी को आप क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक्स कह सकते हो, टैक्सोनॉमी कहो या सिस्टेमेटिक्स को एक ही बात है, ठीक है। टैक्सोनॉमी जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक कहा जाता है, सिस्टेमेटिक बोटनी कहा जाता है, वो उसके अंदर क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है और नामकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी को हम बोलते हैं वर्गीकी। देखो टैक्सोनॉमी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी, और क्लासिफिकेशन को बोलते हैं वर्गीकरण। कितना अंतर है, समझ में आए बात। तो दोनों शब्द अलग अलग है, वर्गीकी के अंदर हम वर्गीकरण करते हैं, उसका पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं, और दूसरा उसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, नामकरण। ये तीन चीजें करते हैं किसके अंदर, हम टैक्सोनॉमी के अंदर या सिस्टेमेटिक्स के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, इस कंसेप्ट को दिमाग में रख के चलना है हमें, ठीक है ना। मैं कहूँ कि हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी कोई पादप लिया हमने और उसका हम सब कुछ कर रहे हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसका नामकरण कर रहे हैं, ठीक है, वो सब हम कर रहे हैं। तो किसके अंदर कर रहे हैं, हम टैक्सोनॉमी के अंदर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम केवल वर्गीकरण ही कर रहे हैं, मतलब उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, हम उसकी पहचान नहीं कर रहे। पहचान तो लिया हमने उसको, उसका नामकरण भी कर दिया, अब उसको एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर, उसको एक स्पेसिफिक टैक्सोन के अंदर, स्पेसिफिक रैंक के अंदर हमें रखना होता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। जबकि टैक्सोनॉमी के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन भी करते हैं और उसका नामकरण भी करते हैं। ये चीज हमेशा आइडेंटिफाई रखनी है, ठीक है,
तब जाकर हम टैक्सोनॉमी के जितनी भी टर्म्स हैं उनको समझ पाएंगे और उनको हम एनालाइज कर पाएंगे, ताकि जब भी आप कोई पौधा लें, ठीक है, तो उस पौधे का नामकरण कैसे किया जाना है, उसकी पहचान कैसे की जानी है, उसका क्लासिफिकेशन किया कैसे किया जाना है, वो सब कुछ हम किसके अंदर करेंगे, टैक्सोनॉमी के अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब दूसरा साइंटिस्ट है हमारे पास में GHM लॉरेंस, ठीक है। ये तो किसके आधार पर बात हुई, जेफरी के आधार पर। जेफरी ने क्या कहा, जेफरी ने कहा कि प्लांट टैक्सोनॉमी जो होती है उसे हम सिस्टेमेटिक के नाम से भी जानते हैं, और ये सिस्टेमेटिक जो है ये कंसर्न्ड है, मतलब संबंधित है किसी पादप की पहचान, उसके वर्गीकरण और उसके नामकरण से, ठीक है। टैक्सोनॉमी का संबंध किससे है, किसी पादप की पहचान, उसका वर्गीकरण और उसके नामकरण से। परिभाषा इंग्लिश में याद रखनी है, जल्दी याद रहेगी, ठीक है। GMS लॉरेंस की बात करें तो इसने कहा कि टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बॉटनी। टैक्सोनॉमी बॉटनी की एक ब्रांच है, बिल्कुल है, ठीक है ना। बॉटनी में काफी सारी ब्रांच है, जैसे फिजियोलॉजी होगी, माइक्रोबायोलॉजी होगी, मॉलिकुलर बायोलॉजी होगी, ये सब बॉटनी की ब्रांच है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर टेक्सोनोमी भी एक बॉटनी की ब्रांच है, विच डील विद आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट का। ये भी वही बात कह रहा है, इसमें कोई अंतर तो इसने कोई अलग चीज तो बताई नहीं है, ठीक है। यानी कि लॉरेंस के अनुसार टेक्सोनोमी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी पादप का वर्गीकरण, उसका नामकरण और उसकी पहचान करते हैं। यही सारी चीजें हमने आगे भी पढ़ी, लेकिन वेरेज, जबकि सिस्टेमेटिक बॉटनी, जिसे हम सिस्टेमेटिक बॉटनी कहते हैं, उसके अंदर प्लांट आर डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। लेकिन सिस्टेमेटिक्स के अंदर हम किसी पादप के आकारी के लक्षणों के आधार पर उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका वर्गीकरण। डिस्क्रिप्शन का मतलब उसका विस्तृत वर्णन करते हैं, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, उसका विस्तृत वर्णन करते हैं और साथ ही साथ उसका वर्गीकरण करते हैं। इसे कहा जाता है सिस्टेमेटिक, क्या कहा जाता है, इसे सिस्टेमेटिक्स कहा जाता है। समझ में आए बात, मतलब आप किसी पादप को लिया आपने और उस पादप का आप क्या कर रहे हो, ये कोई प्लांट है और इस प्लांट के आकारिकी के आधार पर, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर, यानी कि इसके बाह्य लक्षण देख लिए हमने, इसके आधार पर हम उसका क्या करें, डिस्क्रिप्शन करें, उसको डिस्क्राइब करें, यानी कि उसका विस्तृत वर्णन करें, ठीक है, कि इसकी पत्तियां ऐसी है, इसके फ्लावर ऐसे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है, और फिर उसको क्लासीफाई करें, तो हम उसको तो बोलते हैं सिस्टेमेटिक्स। समझ में आई बात। लेकिन यदि अगर हम किसी पादप की पहचान करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसका नामकरण करते हैं और फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, तो उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। यानी कि इसने टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक को अलग अलग बताया है। सिस्टेमेटिक अलग चीज होती है लॉरेंस के अनुसार और टैक्सोनॉमी अलग चीज होती है, जबकि जेफरी के अनुसार टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक दोनों एक ही चीज होती है और दोनों में हम सेम वर्क करते हैं। तो जेफरी की जो परिभाषा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर GHM लॉरेंस जिन्हें जो है क्लासिफिकेशन को, मतलब जो टैक्सोनॉमी है उसको और सिस्टेमेटिक्स दोनों को अलग अलग कर दिया है, और दोनों के अर्थ भी अलग अलग है। तो अब हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टेमेटिक किसे कहते हैं, तो सिस्टेमेटिक में हम किसी पादप का विस्तृत वर्णन करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं, जबकि टैक्सोनॉमी में हम उसकी पहचान करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं और उसका नामकरण करते हैं, मतलब उसकी पहचानते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं और उसका नामकरण करते हैं। ये तो करते हैं हम किसके अंदर, टैक्सोनॉमी के अंदर लॉरेंस के अनुसार, ठीक है, और सिस्टेमेटिक में हम उसका विस्तृत वर्णन करते हैं और साथ ही साथ उसका वर्गीकरण करते हैं। ये किसके अंदर करते हैं, सिस्टेमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्लासीफाई करके रखनी है, तभी हम आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि यहां पर ही हम सबसे ज्यादा चूकते हैं, ठीक है ना, इसी में चूक जाते हैं हम कि सिस्टेमेटिक किसे बोल रहे हैं, और क्योंकि आपसे पूछेगा लॉरेंस के अनुसार, लॉरेंस के अनुसार सिस्टेमेटिक किसे कहते हैं, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो फिर दोनों अलग अलग लेंगे। आपको पूछा जाएगा जेफरी के अनुसार सिस्टेमेटिक किसे कहते हैं या क्लासिफिकेशन किसे, सॉरी सिस्टेमेटिक किसे कहते हैं या टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो फिर सेम है जेफरी के अनुसार, तो ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अल्फा टैक्सोनॉमी की। किसकी बात करेंगे हम, अल्फा टैक्सोनॉमी की, यानी कि अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होती है। देखो
अल्फा टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे हम, बीटा टैक्सोनॉमी होती है, ओमेगा टैक्सोनॉमी होती है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ओमेगा इस तरह की टैक्सोनॉमी है बहुत सारी, लेकिन हम पढ़ेंगे अल्फा टैक्सोनॉमी ओमेगा टैक्सोनॉमी, ठीक है। और भी टैक्सोनॉमी पढ़ सकते हैं, बीटा भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारी बुक के अंदर है उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ओमेगा है, ठीक है। उसके अलावा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, क्या नाम है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, अलग अलग प्रकार से टैक्सोनॉमी में अलग अलग ब्रांचे बनाई हुई है, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक्स में, जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर, सॉरी जो टैक्सोनॉमी हम पढ़ रहे हैं उस टैक्सोनॉमी के अंदर हम अलग अलग ब्रांचे भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अलग चीज रहेगी। पहले आप समझिए कि अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होती है। देखो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी और ये ओमेगा टैक्सोनॉमी, ये पढ़ने की हमें क्या जरूरत है? ये पढ़ने की हमें इसलिए जरूरत है कि जो लोगों ने जितना भी अभी तक जो अध्ययन किया है पौधों का, उन्होंने पौधे को उखाड़ा, फिर उसका वर्गीकरण किया, उसका नामकरण किया, उसके लक्षण लिखे, अब वो उन्होंने क्या कर दिया, स्टोर करके रख दिया। अब कोई दूसरा व्यक्ति था किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरी जगह पर, उसने भी पौधे को उखाड़ा, आप जैसा साइंटिस्ट, वो गया गांव में, घूमता घूमता उसको एक पौधा मिला, उस पौधे को उसने देखा और फिर उसने भी क्या कर दिया, उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया, उसका वर्गीकरण कर दिया। फिर तीसरा व्यक्ति आया, कोई दूसरी जगह पढ़ता था, उसने भी उस पौधे को उखाड़ा, सेम पौधा, पौधा सेम ही है लेकिन अलग अलग जगह उखाड़ा जा रहा है, अलग अलग तरह से डिस्क्रिप्शन कर रहा है, तो उस पौधे के नाम भी अलग अलग हो गए, उनका वर्णन भी अलग अलग हो गया, उनका क्लासिफिकेशन भी अलग अलग हो गया। तो इसमें क्या हो गया, अब चक्कर हो गया, इसमें एक चक्कर पड़ गया कि अब पौधे को किस नाम से जाना जाए, पौधे को किस नाम से जाना जाए। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए कि भाई हम जो भी नामकरण होगा वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में करेंगे, जिसे या तो लेटिन में करेंगे या ग्रीक में करेंगे, ठीक है। और एक बार जिसने वर्गीकरण कर दिया, पहली बार जिसने वर्गीकरण किया है, जैसे मैंने आज वर्गीकरण किया, आपने कल किया, किसी दूसरे ने 10 दिन बाद किया वर्गीकरण, तो जिसने पहले वर्गीकरण किया है वही वर्गीकरण मान्य होगा, ठीक है ना। अब उस ये तो कब हुआ, बाद में, और 1961 के बाद में, 1961 के बाद में ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, लेकिन इससे पहले भी लोगों ने काफी वर्गीकरण किया है, ठीक है ना। हिंदुस्तान में आपने पढ़ा होगा चरक संहिता नाम की एक पुस्तक है, उस चरक संहिता के अंदर, पढ़ा नहीं होगा, नाम सुना होगा आपने, वैज्ञानिक था चरक, औषध वैज्ञानिक, ठीक है, उसने बहुत से पौधों का वर्गीकरण किया, उनका वर्गीकरण नहीं किया, उसने क्या किया, उनका डिस्क्रिप्शन किया, काफी सारा डिस्क्रिप्शन किया औषधीय पौधों का, जितने पौधे थे उनका औषधीय गुण उसने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया उसने, लेकिन वो उसने एक सही तरीके से नहीं लिखा, ठीक है, या उसने लिखा तो ऐसी भाषा में लिख दिया कि उसे अब पढ़ना मुश्किल है। हम तो पढ़ सकते हैं, संस्कृत जो जानता है वो तो पढ़ सकता है क्योंकि वो संस्कृत भाषा में लिखा है, लेकिन जो संस्कृत नहीं जानता है वो उसको कैसे पढ़ेगा, ठीक है ना। फिर वो गूढ़ संस्कृत में लिखा हुआ है, तो आज भी हम उसके बहुत सारे जो नाम हैं उनको हम पहचान नहीं पाते, उनको हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि वास्तव में क्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक वैज्ञानिक हुआ ईसवी सनों में, जिसका नाम था पारासर, क्या नाम था उसका, पारासर, उसने जो औषधीय पौधे थे उनका एक पूरा का पूरा एक शास्त्र लिख दिया, और उसमें हजारों की संख्या में पौधों का वर्गीकरण भी कर दिया। सबसे पहला ग्रंथ मिलता है हमें, ठीक है ना, सबसे पहला ग्रंथ मिलता है हमें जो पाराशर ने लिखा था, ठीक है। उस पाराशर के ग्रंथ के अंदर लगभग 400 स्पीसीज, 400 स्पीसीज का वर्गीकरण, लगभग, मुझे आइडिया नहीं है कितना होगा, लेकिन ज्यादा होगा, 400 स्पीसीज से भी ज्यादा होगा, उसका उसने क्या कर रखा है, उसके अंदर वर्गीकरण कर रखा है, पौधे को अलग अलग उसमें क्लासेज में, विभागों में ऐसे बांट रखा है, मतलब उनके औषधीय गुणों के आधार पर, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब उस वर्गी उन्होंने तो वर्गीकरण कर दिया, लेकिन अब उसको पहचान कैसे मिले, हम आज आपको बोल दिया जाए कि फला पौधा गोखरू का पौधा लेके आओ, कौन सा पौधा लेके आओ, गोखरू का, अब मैंने बोल दिया आपको गोखरू का पौधा लेके आना है आपको, तो आप गोखरू ढूंढने जाओगे, अगर आप गोखरू समझते हो तब तो आप गोखरू का पौधा लेके आ जाओगे, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि हम साधारण भाषा में गोखरू बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं उसका वैज्ञानिक नाम लेकर किसी को बोलूं भाई आप जाओ और वो पौधा लेके आओ, तो आप उसको नहीं ला सकते क्योंकि आप उसको गोखरू के नाम से जानते हैं, ठीक है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसको उस नाम से नहीं जानता,
वो किसी और दूसरे नाम से जानता है उसको, तो वो उस पौधे को नहीं ला सकता। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक स्पेसिफिक नाम सुझाया गया, ठीक है। जैसे कि आप समझो जैसे तुलसी होती है, ठीक है। अब तुलसी जो है वो हमारे यहाँ मिलती है, हम उसको तुलसी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बासिल बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मैं किसी अंग्रेज को बोलूं कि भाई तू तुलसी का पौधा लेके आ, तो तुलसी का पौधा नहीं जानता है, वो जानता है बासिल, ठीक है ना। वो बासिल बोलूंगा तो वो पौधा लेके आएगा। किसी तीसरा जो विदेशी साइंटिस्ट है या कोई विदेशी व्यक्ति है, और मैं उसको बोलूँ कि आप जाओ तुलसी का पौधा लेके आओ, तो वो भी नहीं लेके आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं ऐसी बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो अल्फा टेक्सोनोमी है, ये वही टेक्सोनोमी है। अल्फा टेक्सोनोमी जो है वो वही टेक्सोनोमी है जो पुरातन काल में बनाई गई थी, मतलब पहले। इसको हम पुरातन टेक्सोनोमी भी बोलते हैं, आदि टेक्सोनोमी भी बोलते हैं। अल्फा टेक्सोनोमी ये वो टेक्सोनोमी है जो सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी, ठीक है। इस टैक्सोनॉमी में पौधे के बाहर के लक्षण देखकर ही उसका वर्गीकरण कर दिया जाता था। मतलब इसके अंदर कोई भी पौधा लिया, उस पौधे के बाहर के लक्षण देखे और उनका वर्गीकरण कर दिया जाता था। इसलिए हम इस टैक्सोनॉमी को बोलते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। कौन सी टैक्सोनॉमी बोलते हैं? क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्योंकि जितने भी पहले पुरातन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यही काम किया। पुरातन साइंटिस्ट, मैं ज्यादा पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चरक की बात नहीं कर रहा हूँ कि चरक ने इस तरह का किया है। चरक ने तो अलग ही प्रकार का किया, उसने तो मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए, ग्रंथों में सारा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। लेकिन अब उनमें से कुछ ही हमारे काम के हैं, मतलब कुछ को ही हम समझ पाते हैं, कुछ को हम समझ नहीं पाते हैं ना। क्योंकि अभी तक हम पूरे जितने भी उसने औषधियां लिखी है, सभी औषधियों का वर्णन अभी तक हम ना, तो हमें औषधियां मिली है अभी तक, न ही हमने पूरी औषधियों का वर्णन किया है, ठीक है ना, साइंटिफिक तरीके से, न ही हम पूरी औषधियों को जानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अब जब लोगों ने कर ही दिया है, तो फिर उसी के आधार पर हमें आगे का वर्गीकरण करना पड़ता है। इसलिए हमें अल्फा टैक्सोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप स्टूडेंट लेवल पर भी काम करते हो और आपको भी टैक्सोनॉमी में जाना है और आपको भी वर्गीकरण करना है किसी पौधे का, तो आपको अल्फा टैक्सोनॉमी का सहारा लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग जो होती है टैक्सोनॉमी की, वो अल्फा टैक्सोनॉमी से ही होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। इसके और भी नाम है, चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। काफी सारी बात समझा दी है मैंने आपको, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया है तो दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, काफी लंबा 1 घंटे का वीडियो है, आराम से देखो, समझो और याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अल्फा टेक्सोनोमी जो होती है, इसे कहा जाता है क्लासिकल टेक्सोनोमी या ऑर्थोडॉक्स टेक्सोनोमी या फॉर्मल टेक्सोनोमी। क्या नाम है इसके? 3 नाम है। एक क्लासिकल, पहला नाम क्या है इसका? क्लासिकल। दूसरा नाम क्या है? ऑर्थोडॉक्स। और तीसरा नाम क्या है इसका? फॉर्मल टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये 3 नाम है इसके, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, ऑर्थोडॉक्स टैक्सोनॉमी और फॉर्मल टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसे 3 नामों से हम जानते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम कि कोई भी प्रजाति आ गई, कोई भी पौधा आपको मिल गया, ठीक है, कहीं पर भी मिल गया, रास्ते में चलते हुए आपको कोई पौधा मिल गया, आपने उसको उखाड़ा, उसको लेके आए, और उसको लेके आने के बाद में सबसे पहले उसको पहचानना, ठीक है, पहचाना उसको कि ये पौधा कौन सा है, ठीक है। जैसे 1 वर्षीय साग है या बहुवर्षीय पौधा लग रहा है आपको, इसमें जड़ कौन सी है, मूसला मूल है या टैप रूट है, मतलब जैसे टैप रूट है या जो झकड़ा जड़ होती है वो है, ठीक है। ये चीजें आपने पहचान ली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, क्योंकि ये जो टेक्सोनोमी है अल्फा टेक्सोनोमी, ये डिपेंड है किसके ऊपर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर, यानी कि उसके बाह्य लक्षणों के ऊपर आधारित। इसी को हम जो लोरेंस है उसके आधार पर क्या कहते हैं? सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। अगर आप किसी पौधे का वर्गीकरण मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। यानी कि अगर हम अल्फा टेक्सोनोमी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सिस्टेमेटिक्स कर रहे हैं। किसके आधार पर? लोरेंस के आधार पर। लेकिन जो जेफरी है उसके आधार पर हम टेक्सोनोमी ही कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? अल्फा टेक्सोनोमी, ठीक है ना। याद रखना है, बात भूलना नहीं है, बार बार मैं रिपीट करता रहूंगा फिर, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस शाखा में नई प्रजाति को पहचानना, सबसे पहले हम उसको पहचानेंगे, फिर उसका वर्णन करेंगे और फिर उसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। तो इस शाखा में नई प्रजाति को पहचानना, नई प्रजाति को पहचानेंगे, फिर उसका क्या करेंगे हम? डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसका वर्णन करेंगे और फिर उसका वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये पौधा ले लिया, यहाँ पर कोई सा भी एक पौधा है, तो सबसे पहले तो मैं इस पौधे को पहचानूंगा, ठीक है ना, कि इसके अंदर पत्तियां कैसी लग रही है वगैरह वगैरह, सारी चीज पहचानूंगा, इसकी जड़ कैसी है, तना कैसा है, हरा है, बहुवर्षीय है, 1 वर्षीय है, सारी चीज पहचान लिया, ये है चीजें।
अब इसका वर्णन करेंगे। वर्णन कैसे करेंगे, ये पत्ती का वर्णन करना है हमें। लीफ लिख दिया हमने, लीफ कैसी है इसकी, लीफ कैसी है, जिसे मान लेते हैं गोलाकार लीफ है, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर राउंड लीफ है। कैसी लीफ है, राउंड लीफ है। कटी फटी है, नहीं है, सपाट है, सपाट है, बिल्कुल राउंड। और कैसी दिख रही है, इसका जो लगने का क्रम कैसा है, एकांतर है या नहीं है, तो अगर एकांतर है तो यहाँ लिख देंगे हम अल्टरनेट। क्या लिख देंगे यहाँ पर, अल्टरनेट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने लीफ का वर्गीकरण। अब इसके अंदर हम देखें वेनेशन है या नहीं है, वेनेशन है, वेनेशन है, तो वेनेशन लिख देंगे, ठीक है, वेनेशन लिख दिया, मतलब इसके अंदर जो लाइन इस तरह से वेन्स बनी हुई है या नहीं बनी हुई है इस तरह की, तो ये अगर बनी हुई है तो लिख देंगे है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, ये पत्ती का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं वर्णन करना, फिर उसका वर्गीकरण करना। अब इसको किस क्लास के अंदर रखना है, किस ऑर्डर के अंदर रखना है, किस फैमिली के अंदर रखना है, ये फिर वर्गीकरण कहलाएगा, ठीक है, तो हम इसके अंदर ये काम करते हैं। लेकिन ये कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कौन से वर्ग में रखना है, कौन सी क्लास इसकी होगी, ये हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको जो भी हमारे आसपास कोई भी हर्बेरियम होगा, उस हर्बेरियम पर, हर्बेरियम में जाएंगे और वहां जाकर, वहां जाकर हम इस पौधे का जो स्पेसिमेन हमने बनाया है, जो पौधा हम लेके आए हैं, उस पौधे से उसको मैच कराएंगे। अगर वो मैच हो जाता है तो फिर हम उसका वर्गीकरण कर देंगे। सिंपल है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जिसने सबसे पहले किया उसने क्या किया, उसने क्या किया वो भी हम आगे देखेंगे। उसने क्या क्या प्रयोग, मतलब किस तरह से, किन किन चरणों के आधार पर सबसे पहले कोई नई स्पीसीज थी तो उसका वर्गीकरण कैसे किया था और वो कैसे किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। लेकिन इसकी एक खास बात यह होती है कि आप जो है, आपके आसपास जो भी हर्बेरियम होता है, उस हर्बेरियम से इस सीट को मिलाकर या जो भी स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया उस स्पेसिमेन को मैच करके आप उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। अब इसकी खास बात क्या है, अल्फा टैक्सोनॉमी में हम केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर ही वर्गीकरण करते हैं, ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर हम किस कैरेक्टर के आधार पर करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक। तो नई प्रजाति की पहचान करना, उसका वर्णन करना और उसका वर्गीकरण करना, इससे पहले इसमें पहले से वर्णित जाति का रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। जैसे ये पौधा है और ये पहले से ही क्या है, क्लासिफाइड है, तो फिर भी मैं दोबारा से अगर मुझे इसका वर्गीकरण करना है तो मैं जो भी मोनोग्राफ है या जो भी स्पेसिमेन पहले से रखा हो उसके आधार पर इसका वर्गीकरण दोबारा से भी कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसने गड़बड़ किया है तो फिर मैं दोबारा से उसका रिवाइज वर्गीकरण कर सकता हूँ और वो भी मान्य होगा, ठीक है, तो ये सभी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो वर्गीकरण की जो शाखा है अल्फा टैक्सोनॉमी, ये जीव विज्ञान की जो अन्य शाखाएं होती है, जैसे कि बायोडायवर्सिटी है, इकोलॉजी है, फाइलोजेनेटिक है या फाइटोजियोग्राफी है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण होती है। इससे भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है इसके बारे में, पौधे के बारे में, ठीक है। इसमें संग्रहित किए गए अज्ञात पादप की पहचान हर्बेरियम की सहायता से की जाती है। जो भी पादप आप लेके आओ, जैसे मैं ये पादप लेके आया हूँ, इसका मैंने संग्रहण कर लिया, अब इसकी पहचान करूंगा मैं किसके आधार पर, हर्बेरियम की सहायता से। किसकी सहायता से करी जाती है, हर्बेरियम की सहायता से करी जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। अतः ऐसे वर्गीकरण जो पादपों के आकारिकीय गुणों पर आधारित हो, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आकारिकीय गुणों पर आधारित हो, अल्फा वर्गीकरण में सम्मिलित किए जाते हैं। आप कोई सा भी वर्गीकरण करो, कोई सा भी पादप लेके आया हो, और अगर आप केवल उसके आकारिकीय गुणों पर आधारित वर्गीकरण कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अल्फा टैक्सोनॉमी कर रहे हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। किसके आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर अगर आप कोई वर्गीकरण कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, अल्फा टैक्सोनॉमी कर रहे हो, ठीक है। चलिए, अब जो अल्फा टैक्सोनॉमी है उसके अध्ययन को हम निम्न चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन फेज आती है, सबसे पहले आती है एक्सप्लोरेशन फेज, दूसरे नंबर पर आते हैं कंसोलिडेशन फेज और तीसरे नंबर पर आती है डॉक्यूमेंटेशन फेज, ठीक है, ये तीन फेज है, इनके आधार पर हम जो है वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लोरेशन फेज। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है अनुसंधान करना या अन्वेषण करना, खोज करना। अब खोज, जैसे आप जा रहे हो कहीं घूमते घूमते किसी जंगल में पहुंच गए और जंगल में आपको मिल गया एक शानदार सा पौधा, ठीक है, आप उस पौधे को उखाड़ा
जड़ से ही तो उखाड़ा, फ्लावर भी है उसके अंदर, उसके अंदर जो है फ्रूट भी है, उसके अंदर स्पाइन भी आ रहे हैं, कांटे भी हैं। अब आप उस पौधे को लेके आ गए घर पे, आपने क्या किया, उस पौधे को प्रेस किया, उसका हर्बेरियम शीट बनाया और उसका डिस्क्रिप्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, एक्सप्लोरेशन किया, मतलब आप खोज कर रहे हो, खोज कर रहे हो ऐसे नए पौधे की जिसको आपने कभी देखा नहीं है, नामकरण भी नहीं सुना, नाम भी नहीं जानते, उस पौधे को आप उखाड़ के लाए हो, दैट इज द एक्सप्लोरेशन। ठीक है ना, खोज करना, अन्वेषण करना, इस तरह से होता है खोज, है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें नए पादप की खोज करके उसको संग्रहित कर, उसकी पहचान कर, उसे हर्बेरिया में संग्रहित किया जाता है। समझ में आई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप गए नया पौधा लिया आपने, उसको संग्रहित किया, उसकी पहचान की और फिर उसको हर्बेरिया में संग्रहित कर दिया, हमने हर्बेरियम सीट पर चिपका दिया, संग्रहित कर लिया, ये करता है एक्सप्लोरेशन। लेकिन ये एक्सप्लोरेशन है ये भी निम्न चरणों में होता है। कैसे होता है, इसको भी हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, कैसे कैसे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट, पहले हम प्लांट का डिस्क्रिप्शन करेंगे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसको पहचानेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे और फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब ये कैसे करना है ये हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक्सप्लोरेशन फेज के ही पार्ट है, एक दो तीन चार, चार भाग हैं ये, किसके हैं ये, एक्सप्लोरेशन फेज के। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। देखो हमने कहा कि अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर हम तीन काम करते हैं, एक पहला एक्सप्लोरेशन करते हैं, फिर उसका कॉन्सोलिडेशन करते हैं। ठीक है, मतलब अल्फा टैक्सोनॉमी में पहले होता था एक्सप्लोरेशन फेज, पहली फेज आती है एक्सप्लोरेशन फेज। ठीक है, मतलब पहले तो उसको खोजा जाता है, सब काम किए जाते हैं, नामकरण कर दिया जाता है, क्लासिफिकेशन। दूसरा आता है कॉन्सोलिडेशन फेज, ये सेकेंड फेज है। इस सेकेंड फेज में क्या किया जाता है, इस सेकेंड फेज में ये किया जाता था, ग्रंथ लिखे जाते थे, बड़े बड़े ग्रंथ, मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए जाते थे। ठीक है, तीसरा था डॉक्यूमेंटेशन फेज। अब ग्रंथ भी लिख दिए, सब काम हो गए, लेकिन वो ग्रंथ भी फट जाएंगे, गड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो फिर दोबारा से फिर से क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन फेज है। डॉक्यूमेंटेशन फेज में क्या करते हैं, हम हर्बेरियम शीट बनाकर रख देते हैं, हर्बेरियम शीट को बनाकर रख देते हैं उसी पादप की जिसका हमने एक्सप्लोर किया, कॉन्सोलिडेशन किया और फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, देखो अगर आपने एक्सप्लोरेशन किया, पौधे को खोजा, नामकरण कर दिया और फेंक दिया, अब आपने नामकरण कर दिया, अब आप उसको नाम के भी नाम दे दो, लेकिन दूसरों को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने ये नाम दिया है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए ग्रंथ लिखना पड़ेगा, उसके लिए पेपर लिखना पड़ेगा, या उसके लिए कोई टेक्स्ट सामग्री लिखनी पड़ेगी ताकि वो लोगों तक पहुंचे। आपने जिस पौधे का डिस्क्रिप्शन किया है, नामकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है, और दूसरों तक पहुंचे, वो जब भी तो जानेंगे कि हाँ इस बंदे ने ये काम किया है। अगर उनको पता नहीं होगा तो फिर वो भी कर देंगे दोबारा से। ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेशन फेज, मतलब उसका ग्रंथ के रूप में ग्रंथ बनाकर निर्मित कर देना, या मोनोग्राफ बना देना, उसका विस्तृत वर्गीकरण कर देना, उसके ऊपर एक किताब लिख देना इस तरह। फिर उसके बाद में उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि उसको एक सीट पर चिपका कर हर्बेरिया के अंदर रख देना, ताकि अगर किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता हो, जिसका वर्गीकरण आपने किया है, उसको वो जाने, वो पहचाने, उसको देखने देखना चाहता है, तो उसको वो मिल जाए। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो ये हम अल्फा टेक्सोनोमी के अंदर ही करते हैं ऐसी चीजें। अब इसमें हम पहले बात कर रहे हैं एक्सप्लोरेशन फेज की, बड़े ध्यान से समझना है सारी चीजों को, एक एक चीज ध्यान समझ लो, बार बार नहीं आएगी, बार बार ना मैं दोहराने वाला हूँ ना ही ये दोबारा से आने वाली है। ठीक है, अब एक बार पढ़ लिया आपने, एक बार में याद हो गया तो ठीक है, काफी बड़ा कोर्स है, काफी सारा टाइम लगने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करें एक्सप्लोरेशन फेज। तो एक्सप्लोरेशन फेज समझ में आया, एक्सप्लोरेशन फेज में हम क्या करते हैं, खोज करते हैं। ठीक है ना, खोज करने के बाद उसको संग्रहित करते हैं, उसकी पहचान करते हैं और फिर उसको हर्बेरिया में संरक्षित कर देते हैं, ये एक्सप्लोरेशन फेज में करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोरेशन फेज में करते क्या है वास्तव में, तो एक्सप्लोरेशन फेज में हम करते हैं डिस्क्रिप्शन, प्लांट का डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसको, उसका वर्णन करते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उस वर्णन के आधार पर उसको पहचानते हैं कि ये किस तरह का पौधा है। ठीक है, फिर उसका नामकरण करते हैं, उसके गुणों के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है, और फिर नामकरण होने के बाद में उसको वर्गीकृत किया जाता है कि किस वर्ग में आएगा ये, इसके कौन कौन से टैक्सा होंगे, कहाँ पर हमें इसको प्लेस करना है। ठीक है, तो ये चार फेज इसके अंदर होती है। चलिए अब आ जाते हैं हम सबसे पहले डिस्क्रिप्शन फेज में। डिस्क्रिप्शन फेज क्या होती है, देखिए डिस्क्रिप्शन फेज में हम क्या करते हैं, इसमें जो भी पौधा है हमारा, जो भी पादप आपने लिया है, उस पादप को आकारी के लक्षणों के आधार पर, उसके जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उनके आधार पर, वैज्ञानिक शब्दावली यानी कि हम साइंटिफिक टेक्स्ट, जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं,
उसका इस्तेमाल करते हुए विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मुझे ये पौधा मिला है, मुझे ये पौधा है मेरे पास में, कोई एक्स पौधा है। अब मुझे इसका वर्गीकरण करना है, तो इसका वर्गीकरण करना है तो मैं जो वर्गीकरण करूंगा वो क्या करूंगा, मैं वर्गीकरण करूंगा वैज्ञानिक शब्दावली के आधार पर, जो साइंटिफिक टर्म है उनके आधार पर मैं इसका वर्गीकरण करूंगा। ठीक है ना, ताकि उसको हर व्यक्ति समझ सके, हर व्यक्ति के वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो वैज्ञानिक शब्दावली में हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, समझ में आया। ठीक है, इसमें कभी कभी केवल निदानात्मक गुणों का ही वर्णन किया जाता है, जरूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे गुणों का वर्गीकरण करो। अगर आपको दूसरे पौधे में ऐसे गुण मिल रहे हैं जो इस पौधे में भी है, तो उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें उन्हीं गुणों का वर्णन किया जाता है जिसके जो गुण दूसरे पौधों में नहीं मिल रहे। ठीक है ना, केवल उन गुणों के आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। बात यह है कि जैसे ये दो पौधे हैं, अब दो पौधों में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है, बहुत सारी सिमिलरिटी है, जैसे कि ये भी एक वर्षीय शाक है और ये भी एक वर्षीय शाक है, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, निदानात्मक गुणों के अंदर मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एक वर्षीय शाक है, ये तो है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, दोनों समान दिख रहे हैं, तो मैं इसका वर्गीकरण मुझे करना है तो फिर मैं केवल उसी चीज का वर्गीकरण करूंगा जो चीज इस पौधे में जिसका वर्गीकरण किया जा चुका है उसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम निदानात्मक गुण। ठीक है, अब इसके अंदर हम कौन कौन से गुणों का वर्गीकरण करते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन करते हैं, वर्गीकरण का मतलब यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन किसका करते हैं, पादप की प्रकृति का, मतलब उसकी नेचर कैसी है। ठीक है, जैसे उसका आवास कैसा है वगैरह वगैरह, उसका तना कैसा है, उसकी पत्तियां कैसी है, उसकी जड़ कैसी है। ठीक है, पुष्प कैसे हैं, परिदल कैसे हैं, उसमें है या नहीं है, दल कैसे हैं, कलरफुल है, वाइट है या नहीं है, या है, पुंकेसर कैसे हैं, मोनोएडल्फस है, डायएडल्फस है, मतलब एक संगी है, द्विसंगी है, दल पर जुड़े हुए हैं, दल लग्न है या अलग है, ये सब लिखना होता है। ठीक है, जायांग है, जायांग जैसे उधरवर्ती है, अधोवर्ती है, ये लिखना होता है। ठीक है, बीज कैसा है, अष्टिल अष्टिल बीज है या बीज में झुर्रियां पड़ी हुई है, किस तरह का है, ऑर्नामेंटल है, ये सपाट है, चिकना है, ये सब चीजें हमें लिखनी पड़ती है। फल फ्रूट कैसा है, ठीक है ना, सरस फल है या अष्टिल फल है, किस तरह का फल है, वो यहाँ पर लिखा जाता है। आदि से संबंधित वर्णन किया जाता है। तो ये हम जो भी चीज देख रहे हैं बाहर से वो हमें बाहर से दिख रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सब कैरेक्टर कौन से हैं, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर वर्गीकरण है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा टैक्सोन। ठीक है ना, तो ऐसे इन गुणों का हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करते हैं कि इसका इसकी प्रकृति ये है, इसका तना इस प्रकार का, इसमें पत्तियां इस प्रकार की, इसमें जड़ें इस प्रकार की, इसका पुष्प इस तरह का, इसमें पुंगेसर इस तरह के, इसमें जायांग इस तरह का है, ऐसे इस तरह से हम वर्णन करते हैं। तो ये पॉलीफेज हो गई हमारी। अब हमने पादप लिया और उसका वर्णन कर दिया, तना कैसा है, पत्ती कैसी है, पुष्प कैसे है, ये सब वर्णन कर चुके हैं हम। ठीक है, वैज्ञानिक शब्दावली के आधार पर अब क्या करेंगे, दूसरा सेकंड आएगा, सेकंड में हम उसको पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो अज्ञात पादप है, पादप का जो स्पेसिमेन आपने बनाया है, उस स्पेसिमेन को हर्बेरियम में उपलब्ध ज्ञात स्पेसिमेन द्वारा सही पहचान कर उसे उचित रैंक में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये आइडेंटिफिकेशन होगा। इसके लिए डाइकोटोमस की आवश्यकता होती है। डाइकोटोमस की का मतलब है कि ऐसे की बनाई जाती है, जैसे पत्ती है, जैसे पत्ती की बात करते हैं, पत्ती लीफ में सिरा विन्यास, जैसे लीफ के अंदर सिरा विन्यास उपस्थित या अनुपस्थित। ठीक है, अगर उपस्थित है तो इसके ऊपर टिक लगा देते, अगर अनुपस्थित होता तो इसके ऊपर टिक राइट का निशान लगा देते। ठीक है, उपस्थित हो गया, अनुपस्थित हो गया, उपस्थित है तो किस तरह का है, किस तरह का है, जालिकावत है या एकांतर है, जालिकावत या फिर कैसा है, एकांतर। अब मान लेते हैं सिरा विन्यास तो उपस्थित है लेकिन कैसा है, एकांतर। तो इस तरह की जो की होती है उसे कहा जाता है डाइकोटोमस की। क्या कहा जाता है इसको, डाइकोटोमस की। ठीक है, द्विशाखित, क्या बोलते हैं इसको, द्विशाखित कुंजी, द्विशाखित कुंजी कहा जाता है, इसे कहा जाता है डाइकोटोमस की, द्विशाखित। इसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है।
ठीक है, पौधे का नामकरण इसी आधार पर किया जाता है, और उसको एक उचित रैंक, रैंक को हम बोलते हैं टैक्सा, क्या बोलते हैं टैक्सा, ठीक है। और इस रैंक को, रैंक बोल दो आप इसको या टैक्सा बोल दो, इसका मतलब होता है जिसे आप उसको किस क्लास में रखोगे, कि किस क्लास में रखो, क्या उसका ऑर्डर होगा, क्या उसकी फैमिली होगी, ये सब क्या है टैक्सा है या एक रैंक है। रैंक बोल दो या टैक्सा बोल दो, एक ही बात, क्लास ऑर्डर फैमिली क्या रहेगी उसकी, उसके आधार पर उसको उसमें रखा जाता है और उसकी पहचान की जाती है कि ये इस गण का, इस ऑर्डर का, इस फैमिली का, इस जीनस का पौधा है और इसकी स्पीसीज ये है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको उस स्पेसीमेन को हम हर्बेरियम में जो उपलब्ध स्पेसीमेन होता है उसके द्वारा हम उसकी पहचान करते हैं और फिर उसको एक उचित रैंक में वर्गीकरण करते हैं। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डायकोटोमस की आवश्यकता होती है, याद रखना है हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए डायकोटोमस की आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। चलिए आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब उसका करेंगे हम नामकरण। अब हमें पता चल गया कि ये हमने फला फला क्लास में रख दिया, क्लास के बाद हमने उसको ऑर्डर में रख दिया, कोई उसका सब ऑर्डर था तो सब ऑर्डर के अंदर रख दिया, फिर हमने उसको फैमिली के अंदर रख दिया, फिर हमने उसका जीनस भी रख दिया, जीनस रखने के बाद उसको स्पेसिफिक नाम देना है, अब उसका नामकरण करना है, स्पीसीज का नाम लिखना है। तो हम ज़्यादातर आज के टाइम पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इस्तेमाल करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है द्विनामकरण पद्धति, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम इस्तेमाल करते हैं द्विनामकरण पद्धति। उसमें क्या होता है, दो नाम होते हैं, किसी भी पादप के दो नाम होते हैं। कितने नाम होते हैं, दो नाम, एक जो नाम होता है वो जीनस का होता है और दूसरा उसका नाम किसका होता है, स्पीसीज का होता है। तो जीनस और स्पीसीज का नाम मिलाकर हम एक नाम देते हैं उसको, उसे ही बोलते हैं हम नामकरण करना, यानी कि नोमेनक्लेचर करना। अब ये जो भी नोमेनक्लेचर करते हैं हम किसके आधार पर करते हैं, ये करते हैं हम इंटरनेशनल रूल के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर, ठीक है ना। और इसके लिए एक संस्था है जिसे कहा जाता है ICBN, क्या कहा जाता है, ICBN, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ICBN का पूरा नाम लिखिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इस संस्था ने कुछ पद्धतियां बताई गई है, कुछ नामकरण के कुछ रूल बताए हैं, उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण सुनिश्चित किया जाता है और नामकरण किया जाता है, ठीक है। जैसे मेंजीफेरा इंडिका, अगर मुझे नाम लिखना है मेंजीफेरा इंडिका, और जब भी मैं यह नाम लिखूंगा इसका मतलब है कि मैं आम का नाम लिख रहा हूँ, किसका नाम लिख रहा हूँ, आम का नाम लिख रहा हूँ, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा क्या है, जीनस है, इंडिका क्या है, उसकी स्पीसीज है, ठीक है। तो ये पता लग जाएगा मुझे कि मेंजीफेरा इंडिका एक आम आम है और ये आम जो है इसका जीनस मेंजीफेरा है और स्पीसीज है इंडिका, ठीक है। तो ये नामकरण होता है। अब ये नामकरण किसका नाम किया गया, नामकरण किया गया आम का, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो नामकरण होता है ये अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार किसी पादप के वैज्ञानिक नाम का निर्धारण करना तथा उपयुक्त नाम सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है, ठीक है। इसके लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर संस्था द्वारा सुनिश्चित नियमों के आधार पर ही नामकरण किया जाता है, ठीक है ना। इसके द्वारा जो सुनिश्चित किए गए हैं नामकरण के नियम, उसी के आधार पर नामकरण किया जाता है। पादप का नाम ग्रीक या लैटिन भाषा में लिखा जाता है। पादप का कोई भी नाम हम लिखेंगे तो किस भाषा में लिखेंगे, ग्रीक या लैटिन भाषा में ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन जो है वो अल्फा टैक्सोनॉमी में वर्णित पादपों को मुख्य रूप से आकारी के गुणों के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, इसके आधार पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके अंदर हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के आधार पर ही पादपों का वर्गीकरण करते हैं, मतलब यहाँ पर जो अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर जो वर्गीकरण किया जाता है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। अल्फा टैक्सोनॉमी एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन टेक्निक है, इसके अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियल गुणों के आधार पर ही आधारित है, जो कि कैरोलस लिनियस ने किया था, ठीक है ना। कैरोलस लिनियस ने भी आर्टिफिशियल गुणों के आधार पर ही उसका वर्गीकरण किया, इसलिए हम इसको भी अल्फा टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन होता है उसी के आधार पर वर्गीकरण किया। अभी आगे हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसने दिया, कैसे दिया, वो सारी चीज हम समझेंगे, ठीक है। अभी इतना समझिए आप, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करते हैं, उसके आकारिकी गुणों के आधार पर, उसके आकारिकी गुणों के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और
ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है। कौन सा क्लासिफिकेशन होता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। चलिए अब ये तो कर लिया हमने फर्स्ट फेज पूरी। फर्स्ट फेज क्या थी हमारी? देखो तीन फेज थी हमारी। पहली थी एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन कर लिया। एक्सप्लोरेशन में हमने चार काम किए, पहले डिस्क्रिप्शन किया, फिर आइडेंटिफिकेशन किया, फिर नामकरण किया, फिर क्लासिफिकेशन किया। अब इसके बाद में हमारी दूसरी अवस्था आएगी जिसे कहेंगे हम कंसोलिडेशन फेज। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर जब ये कर लिया हमने, ठीक है, तो उसके बाद में इसको हम बोलते हैं दूसरी प्रावस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? दूसरी प्रावस्था। इसमें क्या किया गया? इसमें पादपों के मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों के आधार पर पादप ग्रंथ या औषधीय ग्रंथ को पुस्तक के रूप में लिखा गया, ठीक है। ये करने के बाद, क्योंकि देखो पहला जो स्टेप है ना, उसमें आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपके पास कोई लिखा हुआ स्रोत नहीं है, लिखी हुई चीज नहीं है, तो फिर वो बाद में दूसरा दूसरा वर्गीकरण हो जाता है, दूसरा उसका वर्गीकरण कर देगा। तो उसका लिखित होना आवश्यक है, और लिखित होने के साथ साथ उसका कोई डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए हमारे पास, उसका प्रमाण भी होना चाहिए, उसका प्रूफ भी होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने किसी पौधे को देखा और लिखना शुरू कर दिया उसके बारे में, लिख दिया, किताब लिख दी पूरी की पूरी, लेकिन किताब भी अभी पूरा सोर्स नहीं है, ठीक है। देखो पुराने जमाने में जो लोग थे वो क्या करते थे, पौधे को देखते थे, उसके गुणों को किताबों में लिख देते थे, ग्रंथ बना दिए उन्होंने बड़े बड़े, जैसे चरक संहिता बन गया, ठीक है। इधर से वो क्या नाम है, औषध आयुर्वेदा बन गया, इस तरह के ग्रंथ लिख दिए गए जिसमें औषधियों का वर्णन किया गया, दूसरे सामान्य पौधों का, जलाने वाले पौधे, कुछ कुछ किस काम आ रहे हैं पौधे, खाने वाले पौधे, है ना, इस तरह के पौधों का वर्गीकरण कर दिया। लेकिन उसका जो लिखित ग्रंथ अगर नहीं होता, कंसोलिडेशन फेज नहीं होती, तो हमें कैसे पता चलता? हमें आज भी तो पता चल रहा है कि भाई चरक ने इन पौधों का वर्गीकरण किया है, इन पौधों का नामकरण किया है, या इन पौधों के औषधीय गुणों का वर्णन किया है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। तो उन्होंने क्या किया, दूसरी अवस्था अपनाई, दूसरी प्रावस्था थी ये, सेकेंड प्रावस्था थी भाई। उससे पहले भी लोगों ने काफी वर्गीकरण किया लेकिन उसको लिखा नहीं। अब जिन लोगों ने लिखा वो सेकेंड फेज में आ गए। तो सेकेंड फेज में क्या किया गया, सेकेंड फेज में क्या किया जाता है, ये पादप वर्गीकरण की दूसरी प्रावस्था थी। इसमें पादपों के मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों के आधार पर पादप ग्रंथ और औषधीय ग्रंथों को पुस्तक के रूप में लिखा गया, पुस्तकें बना दी, जैसे कैरोलस लिनियस ने लिखी पुस्तक, ठीक है ना। तो वो जो उसकी पुस्तक थी वो पुस्तक ही एक ग्रंथ बन गई, तो यानी कि वो कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है। इन पादपों पर मोनोग्राफ यानी कि वृद्ध लेख लिखे गए, पादप का पूरा वर्गीकरण किया, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके किस प्रकार के गुण है, उसमें कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं, सब कुछ लिख दिया। तो इसको बोलते हैं मोनोग्राफ। क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब होता है बृहद लेख, ठीक है, जिसमें एक पौधा है और उसी एक ही पौधे के सारे लक्षणों का सारा वर्णन कर दिया गया, उसे कहा जाता है मोनोग्राफ, ठीक है। इसके आधार पर वंश तथा अन्य टैक्सोनॉमिक रैंक की सीमाओं का आकलन संभव हो पाता है। इसी के आधार पर, इन मोनोग्राफ्स के आधार पर या इन ग्रंथों के आधार पर ही हम किसी पौधे को किस वंश में रखना है, किस जाति में रखना है, किस स्पेसीज में रखना है, यह हम इसके आधार पर ही उसकी सीमाओं का आकलन कर पाते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। और थर्ड फेज आती है इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर ये भी नहीं करेंगे तो ग्रंथ के आधार पर भी हम किसी पौधे को नहीं पहचान सकते। उसमें उसका वर्णन सामने वाले ने क्या सोच कर किया है, हम कैसे पहचानेंगे? हमें तो वो अलग तरह का दिख रहा है, क्योंकि आप दो पौधों को लीजिए और दो पौधों को अगर आप अलग अलग प्रावस्थाओं में, अलग अलग प्रावस्थाओं में रख देखोगे, जैसे कोई पौधा है एक साल पहले किस तरह का था, दूसरे साल में उसका आकार आकृति बदल जाएगी, कुछ चेंजेज आ जाएंगे उसके अंदर, तीसरे साल में वो और भी अलग प्रकार का आपको दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कि अब मान लो बरगद का पौधा है या पीपल का पौधा है, शुरुआत में उसकी दो चार पत्तियां होती है, तो हम अगर उसका डिस्क्रिप्शन एक साल की उम्र में ही कर दिया गया तो हम उसका वर्गीकरण करेंगे एक शाकीय पौधा होता है, ठीक है, कास्ट कम होती है, पत्ती छोटी होती है। लेकिन अगर उसी पौधे का 50 साल बाद वर्गीकरण किया जा रहा है तो 50 साल बाद तो उसका प्रारूप ही बदल जाएगा, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी उसके अंदर, तो फिर उसका वर्गीकरण अलग तरीके से होगा। तो इसलिए उसका क्या होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए हमारे पास में कि हमने इसको ये चीज देखकर इस फेज में इसका वर्गीकरण किया, ताकि किसी व्यक्ति को उस फेज में अगर वो मिलता है और उसका वर्गीकरण वो 10 साल बाद करना चाहता है तो उसको वो उसका वर्गीकरण सही तरीके से वो कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होना आवश्यक है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें पादप की पहचान हो जाने के बाद इनके जो स्पेसिमेन होते हैं उनको हर्बेरियम में उचित स्थान पर व्यवस्थित कर दिया जाता है। जो भी स्पेसिमेन होता है,
जो हमने वर्गीकरण कर दिया, पहचान लिया, सब काम हो गया, अब उसका स्पेसिमेन बनाकर हर्बेरियम में रख देते हैं, उस स्थान पर या उस कैटेगरी के अंदर रख देते हैं जिस फैमिली का है, जिस क्लास का है, उसके आधार पर हम उसको व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हर्बेरियम सीट बनाने के लिए क्या करते हैं, पादप को सुखाकर उसे एक सीट पर चिपकाया जाता है। पादप लेंगे हम, या आपको करना है, थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल में है ये आपके, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पादप लेना है, पादप को सुखाना है, उसे एक सीट पर चिपकाते हैं, उस पर उस पादप की जाति लिखते हैं, स्पीसीज किस स्पीसीज का है, उसकी उपजाति होती है तो वो भी लिखते हैं, किस्म भी वहां पर लिखी जा सकती है, कहाँ से प्राप्त किया गया है ये लिखा जाता है। जैसे मान लो आपने बानसुर के अंदर या कहीं जहां पर भी आप रह रहे हो, वहां पर आपने आपके नाले के पास से या फला व्यक्ति है उस व्यक्ति के घर के पास से लिया है, या कोई फील्ड है, कोई मैदान है, आपने वहां से लिया है, कोई स्कूल की बाउंड्री है वहां से लिया है, कोई जंगल है, सरिस्का का कोई एरिया है, या किसी दूसरा सेंचुरी का कोई एरिया है, जहां पर भी आप रह रहे हो वहां से आपने उस पौधे को लिया है, तो उसका स्थान भी लिखा जाता है, उस जगह का नाम लिखा जाता है। ठीक है, कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया गया, उस जगह का नाम, और दूसरा संग्रहण की तारीख लिखी जाती है उसके ऊपर, कितनी तारीख को लिया आपने, ताकि 10 साल बाद भी अगर उसका वर्गीकरण करना है तो 10 साल बाद अगर कोई व्यक्ति वहां जाकर उसको देखना चाहता है जीवित अवस्था में, तो उसको मिल सके, उस पौधे वो पौधा उसको मिले। ठीक है, आप तो एक उखाड़ के लिए, और बाकी उस स्पीसीज की वहां पर रुक उगे हुए होंगे तो उनको देख सकता है। ठीक है, तो उस संग्रहण की तारीख भी लिखी जाती है, और उसमें संग्रहणकर्ता का नाम भी लिखते हैं, किसने किया है, ताकि अगर वो आपसे संपर्क करना चाहे तो वो भी आपसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, आधी चीजें उसमें लिखी जाती है। इन स्पेसिमेन को टाइप स्पेसिमेन कहा जाता है, एक प्रारूपिक प्रादर्श कहा जाता है टाइप स्पेसिमेन, इसी के आधार पर आगे के वर्गीकरण संभव हो पाते हैं। ठीक है, ये स्पेसिमेन टैक्सोनॉमी के अध्ययन व शोध में जानकारी प्राप्त करने में काम आते हैं। जैसे मान लो आप गए, आपको कोई पौधा मिला, जब आप उसका वर्गीकरण करने जाते हो तो आप उसमें फालतू का समय क्यों बर्बाद करो, क्योंकि ऑलरेडी उसका वर्गीकरण किया जा चुका है, तो हम सीधे जाएंगे हर्बेरियम में, देख लेंगे कि ये इसमें क्लासीफाई है, बस बात खत्म हुई, हमने वर्गीकरण कर दिया। लेकिन अगर आप उसमें कुछ अंतर लग रहा है तो आप फिर उसका दोबारा से रिवाइज वर्गीकरण कर सकते हो, और ये काम किसके अंदर होता है, केवल अल्फा टेक्सोनोमी के अंदर होता है। ठीक है, इन रिकॉर्डों में एक ही जाति के विभिन्न प्रादर्शों में भिन्नता देखी जाती है। जैसे आपने आज लिया है, कोई व्यक्ति उसको 10 साल बाद वर्गीकृत करना चाहता है, तो 10 साल में काफी अंतर आ जाएगा, इवोल्यूशनरी चेंजेज हो जाएंगे, है ना, कुछ कुछ चेंजेज, ज्यादा चेंजेज नहीं होंगे, कुछ कुछ चेंजेज हो जाएंगे, तो फिर उनमें क्या होगा कि एक दूसरा तरीका, दूसरी चीज क्या होती है कि आपने उसका प्रादर्श किस प्रकार से बनाया है, सामने वाला उसका स्पेसिमेन किस प्रकार से बना रहा है, उसमें भी अंतर आ जाता है, तो ऐसे इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। यदि टाइप स्पेसिमेन भी अवेलेबल नहीं होता, किसी कोई जगह टाइप स्पेसिमेन अवेलेबल नहीं है, जैसे किसी पुराने जमाने के साइंटिस्ट ने उस पौधे का चित्र बना दिया है, लेकिन अब वो पौधा ही अवेलेबल नहीं है धरती के ऊपर, समझ में आ रही है ना, वो पौधा ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम केवल चित्र के माध्यम, जैसे हमारे जो एंसेस्टर प्लांट है जो विलुप्त हो चुके हैं, अब हमें नहीं मिलते हैं, तो उनको हम किस प्रकार तैयार कर रहे हैं, उनको हम उनके जो फॉसिल्स मिल रहे हैं, हमें जो जीवाश्म मिल रहे हैं, उनके आधार पर उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, उनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में टाइप स्पेसिमेन उपलब्ध नहीं है तो फिर उसका चित्र भी प्रिजर्व किया जा सकता है, उसके चित्र को भी हम एज ए डॉक्यूमेंटेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अल्फा टेक्सोनोमी का लेक्चर पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ओमेगा टेक्सोनोमी, बेटा टेक्सोनोमी या दूसरी टेक्सोनोमी की ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।